हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी। दोस्तों आज मैं भारत पाकिस्तान का सैन्य करने वाला हूँ, जो आज के लोग हैं या फिर पाकिस्तान और भारत के कौन जीतेगा आज के समय में, और कौन से देश किस कौन कौन से देश जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे देश सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीन भारत के साथ आएगा, क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाएगा, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो आज के मन में उठ रही है। इसके साथ दोस्तों मैं सारी चीज़ बताऊँगा आपको, लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर मुद्दे से जुड़े आपको एक वीडियो देता हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात 14 अगस्त 1947 की, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर ने यह तय किया कि वह भारत के साथ रहेगा, लेकिन पाकिस्तान यह चाहता था कि उसकी भूमि कम है और वह जम्मू कश्मीर को भी अपने साथ लेना चाहता था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों पर कब्जा किया उसे पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर से भारत की बनी हुई सीमा, जो POK से जो भारत की सीमा बनती है उसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अक्टूबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर था। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ है। पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, उनमें से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, POK को भारत अपना हिस्सा समझता है। आप देखते होंगे, मैप देखते होंगे, तो उसमें जो पूरा कश्मीर भारत दिखाया जाता है और यह बताया जाता है कि पूरा कश्मीर है, जबकि POK भारत से अलग है, ठीक है। और पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा चाइना को भी दिया हुआ है, तो इस तरह से आप मानचित्र देखें तो बहुत छोटा सा हिस्सा भारत के पास है, लेकिन भारत उसे पूरा दिखाता है, राजनीतिक तौर राजनीतिक मानचित्र में उसे पूरा दिखाता है। चलिए बात करते हैं, 1961 में चीन से भारत की करारी हार हुई थी। 1961 की हार के बाद पाकिस्तान ने समझा कि भारत कमज़ोर हो चुका है, वह चीन से हार गया, हम हमला करते हैं। 1965 में उसके 4 साल बाद पाकिस्तान ने हमला किया। यह हमला जम्मू कश्मीर के लिए था। युद्ध 17 दिन तक चला, इसमें पाकिस्तान की करारी हार। फिर उसके 4 साल बाद 1970 में पूरे पाकिस्तान के दबाव के कारण ये सारी घटनाएं, 1961 युद्ध, 1965 युद्ध, 1970 युद्ध, 1947 में जो युद्ध हुआ, इन सब की अगर आप कमेंट कीजिए तो मैं इन सब के वीडियो अलग से बना सकता हूँ आपके लिए। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के दबाव के कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, इसका नतीजा आप जानते होंगे क्या हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान की फौज ने कारगिल पर कब्जा कर लिया, फिर भारत के जाबाज सैनिकों ने उन्हें कारगिल से खदेड़ा और कारगिल पर कब्जा किया। भारत 90 के दशक से जारी पाकिस्तान की ओर से छद्म युद्ध का सामना कर रहा है। इस छद्म युद्ध में भारत को काफ़ी भारी नुकसान हुआ। यह छद्म युद्ध GEM यानी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे चरमपंथी समूह को संरक्षण, जैसे आतंकी संगठन चरमपंथी संगठन के द्वारा होता है। आतंक आज दुनिया का सबसे बड़ा चुनौती के रूप में हर देश के लिए उभर रहा है। सारे देश अगर एक साथ हों तो आतंक को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसी आतंक का मुखौटा पहनकर कुछ देश अपने व्यापार हथियार के व्यापार में अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा आदि चरमपंथी संगठन है। इनको पाकिस्तान के द्वारा रुपया, जिससे वो हथियार खरीद सकें, आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह सुविधाएं आतंकी संगठन भारत पर जम्मू कश्मीर में आतंक कैसे फैलाएं उसके लिए, भारत इस तरह के हमलों को जो पाकिस्तान की ओर से कराए जाते हैं, भारत उन्हें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की श्रेणी में रखता है। भारत पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर वर्तमान में जैसी स्थिति है
भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ तो भारत की क्या स्थिति होगी पाकिस्तान के खिलाफ, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। आज भारत अमेरिका, रसिया, चीन और ये तीन ऐसी ताकतें हैं, उसके बाद भारत चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना भारत के पास है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास कुल 14 लाख सैनिक, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 6.5 लाख सैनिक। ग्लोबल फायर पावर यानी कि GFP के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के क्रम में 17वें नंबर पर है, यानी आप कह सकते हैं कि भारत का स्थान 4th है और इनका स्थान 17। काफ़ी अंतर है, इनके बीच काफ़ी सेनाएं आती हैं, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रसिया, फिर चाइना, फिर चौथे पे भारत, पाकिस्तान 17वें नंबर पे आता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत की झोली में करीब 3500 से अधिक युद्ध टैंक, 3000 से ज़्यादा इन्फेंट्री लड़ाकू विमान, 350 से ज़्यादा सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स और 9500 से ज़्यादा तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आपकी वेबसाइट पर इस सब आंकड़े आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तान के पास वर्तमान में 2000 युद्ध टैंक, 1500 तक सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स और मात्र 4000 तोपें हैं। अब चलते हैं वायुसेना के बारे में बात करते हैं। वायुसेना में क्या आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 814 से ज़्यादा कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास कुल 425 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। अब चलिए नौसेना की बात करते हैं। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक बन रहा है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं अगर आपको पता हो, ठीक है। 12 सबमरीन, 13 फ्रिगेट्स, 106 पेट्रोल और कोस्टल कॉम्बैक्ट जहाज, भारतीय नेवी सेना में करीब 68000 से ज़्यादा सैनिक हैं, जवान हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। नौसेना में 6 फ्रिगेट्स, 18 सबमरीन, मात्र 17 पेट्रोल कोस्टल जहाज। भारत के पास अपनी तरह की 9 तरह के ऑपरेशन मिसाइल्स हैं, जिनमें ब्रह्मोस, अग्नि के जैसी कई श्रेणी की मिसाइल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो रूसिया और भारत के संयुक्त रूप से बनाई गई है, ये हवा, समुद्र और ज़मीन तीनों जगह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मात्र कई मिसाइल हैं, लेकिन उनमें से अगर आप कहें कि प्रभावी रूप से कौन सी है तो शाहीन टू, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अगर इस तरह भारत की बात करें तो भारत के पास अग्नि टू के बराबर ये हैं, और अभी तक अग्नि का संस्करण 5 संस्करण तक बन चुका है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। यह परमाणु से लेस मिसाइल है और भारत अग्नि 6 की तैयारी में है, जिसकी मारक क्षमता 8000 से 10000 तक हो सकती है। फिलहाल जो पाकिस्तान की शाहीन 2 मिसाइल है उसके जद में ज़्यादातर भारत के हिस्से आते हैं। अब देखते हैं कौन सी सेना भारत और पाकिस्तान में कितना खर्च करती है अपने रक्षा बजट में और अपना GDP का कितना हिस्सा वह लगाती है। भारत सरकार अपना GDP का मात्र 2% रक्षा बजट में खर्च करती है, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी GDP का 3.6% खर्च रक्षा बजट में करती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा ये बताया गया है, यह 2018 की जो बात है बता रहा हूँ, भारत करीब $58 बिलियन की रकम रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान करीब $11 बिलियन का खर्च करता है अपने रक्षा क्षेत्र में। अगर हिसाब से देखें तो भारत अपने रुपयों में अगर इसकी तुलना करें तो भारत 4 ट्रिलियन रुपये खर्च करता है और पाकिस्तान 1.26 ट्रिलियन रुपये अपनी जेब से खर्च करता है सैन्य साजो सामान में। अब आपको पता है कि हथियार खरीदने के मामले में भारत करीब 1 दशक से प्रथम स्थान पर है, यानी कि वह हथियार खरीदने में ज़्यादा
अब परमाणु बम की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम का जखीरा है, जबकि पाकिस्तान के पास 150 बम का जखीरा है। फिलहाल परमाणु बम से संपन्न राष्ट्र आपस में युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु बम काफ़ी तबाही, रेडिएशन आप जानते हैं कितनी तबाही होती है। और फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत जब तक किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा, जब तक कोई देश उस पर हमला नहीं करता। फिलहाल पाकिस्तान अपनी GDP का 3.6% खर्च करता है, उसका रक्षा बजट $11 बिलियन है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को विदेशों से भी कई रुपए मिलते हैं सैन्य सहायता के लिए। पाकिस्तान को 2018 में $100 मिलियन की रकम मिली अपने सैन्य सहायता के लिए। अब विकास दर, इकोनॉमिक रूप से अगर आप देखें तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह पाकिस्तान के कुल मुद्रा भंडार का करीब 20 गुना से भी ज़्यादा अधिक है। अब इसकी विकास दर, भारत की विकास दर दुनिया में सर्वप्रथम है। भारत की विकास दर विश्व बैंक के आधार पर वर्तमान में 7.5% और पाकिस्तान की मात्र 4% है। दोस्तों ये सब जो आंकड़े हैं ये काफ़ी एक सीमित जाता मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप देखें तो हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान भारत से कई गुना पीछे है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो पाकिस्तान अपनी GDP का कितना प्रतिशत खर्च करता है उस हिसाब से भारत से वो आगे है। लेकिन भारत अगर इतना 1.6% अगर बढ़ोतरी करता है तो काफ़ी ज़्यादा है। आप इसके रक्षा बजट में देख लीजिए कि रक्षा बजट $58 बिलियन भारत का है और पाकिस्तान का $11 बिलियन, काफ़ी अंतर है। इसी हिसाब से क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और लगातार ग्रोथ कर रहा है, हर विदेशी कंपनियां भारत में अपना निवेश करना चाहती हैं। निवेश के मामले में भारत चाइना से भी आगे निकल रहा है। अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें तो इकोनॉमिक रूप से भारत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं और नई वीडियो लाऊंगा, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। कई लोग मुझ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जो भारत के जो दुश्मन हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान ही दुश्मन है भारत का, लेकिन ऐसे कई दुश्मन हैं जो भारत का विरोध करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और पाकिस्तान के साथ हैं। और मैं उन देशों में बहुत कम हैं, लोग जानते हैं कि कौन से देश हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी देश हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट कर, ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमेंट आएंगे मैं आपको जल्द से बना कर दूँगा उन वीडियो को, ठीक है। मेरे बहुत ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।